बैक टू माई चैनल, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। आई होप सो कि आप सारे स्वस्थ हैं और मस्त हैं, और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर हम लोग के यहाँ पे क्या हालत है। सो बाहर का ऐसा हालत है, बट हाँ, स्टिल हमको सेलिब्रेट करना है जन्माष्टमी। हम काफ़ी खुश हैं, हमने काफ़ी अच्छे से सारा तैयारी किया है। अरिंदम भी सारा सामान ला दिए हैं मेरे को पूजा के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को पूजा घर में ले चलती हूँ, क्योंकि ये जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है, तो इसमें जन्माष्टमी की सारी सेलिब्रेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स गो। अब मैं भगवान जी को सिंहासन पे बिठाऊंगी, उनको सजाऊंगी, और उसके बाद मेरा एक एक करके पूजा का सारा स्टेप बाय स्टेप मैं रिचुअल्स करूंगी। सो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज साथ में।
हे सर्व शास्त्र विशारद, हे देव, व्रत में उत्तम उस व्रत को कहिए जिस व्रत से प्राणियों की मुक्ति लाभ प्राणियों को मुक्ति लाभ होती है, और हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों की भोग और मोक्ष की प्राप्त हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्म को करने वाले यमुना कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही ईश्वर मात्र में थोड़े जल वाली हो गई। तदंतर वासुदेव गोकुल में जाकर नंद के घर गांधर के समीप में जैसा कि द्रौपदी ने कहा था तथा उस बालक को समाप्ति कर दिया। उनके वचन की रक्षा बालक को दोनों बैलों के मध्य में युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने उस दैत्य रूपी बैल के सींगों को क्षण भर में तोड़ के मारे। सब प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का भी पाप छूट जाता है और वे उत्तम गतियों को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा ही था हमारा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन इस साल। इस साल काफ़ी अच्छे से पूजा हुई है। लास्ट 2 साल से तो लॉकडाउन की वजह से कुछ सामान का मिसिंग होना नॉर्मल था, और बस यही मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं अपना जन्माष्टमी का ब्लॉग लास्ट ईयर शायद नहीं शेयर किया था, बट उसके पहले साल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मेरा मन तो हमेशा रहता है कि मैं आप लोगों के साथ अपने सारे स्पेशल ब्लॉग्स शेयर करूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिए कि आप लोगों ने इस साल जन्माष्टमी कैसी मनाई, 18 अगस्त को मनाई कि 19 अगस्त को मनाई। मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपने कब मनाई और कितने बजे पूजा की। इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडलिंग मैं दे देती हूँ अपना, मेरा हर वीडियो के नीचे लिंक में रहता है, तो आप चाहे तो मेरे साथ वहाँ भी फोटो शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको सच में पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, फ्री। एंड बस अब मैं जाके पानी पीऊँगी और कल फिर से मेरा ऑफिस है, कल सैटरडे है। यस, सैटरडे भी ऑफिस रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।